स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सुखदेव गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, हत्याकांड में शामिल दोनों शूटर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नितिन और रोहित को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया है। शूटर नितिन फौजी महेंद्रगढ़ हरियाणा का निवासी है। शूटर रोहित जयपुर के झोटवाड़ा का रहने वाला है। जयपुर के सेक्टर 22A के होटल में छिपे थे ये शूटर। दोनों आरोपियों की मदद करने वाला भी गिरफ्तार। हत्या के बाद हिसार भाग गए थे दोनों आरोपी। हिसार से मनाली और फिर मनाली से चंडीगढ़ पहुंचे थे। 5 दिसंबर को दिन दहाड़े दो बदमाशों ने बरसाई थी गोलियां। बदमाशों की फायरिंग में नवीन शेखावत की भी मौत हो गई थी। घटना के दौरान मौजूद गार्ड अजीत सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही हैं, आपको जानकारी दे रही हैं। गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी और अहम खबर, सुखदेव सिंह के हत्यारे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अब गिरफ्तारी के बाद कई राज खुलने बाकी हैं। आखिर किसके इशारे पर ये गोलियां चलाई गई, क्यों सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारा गया, क्या कारण था इसके पीछे, कहां से ये हथियार मुहैया कराए गए, किसने इनको ट्रेनिंग दी थी और किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की थी, ये तमाम सवाल हैं जो अब पुलिस इनसे पूछताछ के दौरान उगलवाएगी और जांच में सामने आ पाएंगे सारे तथ्य कि आखिर क्यों सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की गई, क्या वजह थी इसके पीछे और किसके इशारे पर हुई। दिनेश एमएन एडीजी क्राइम फोन लाइन पे इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से ये ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्योंकि एक बड़ी सफलता आप लोगों ने पाई है। हेलो जी दिनेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली जब ये भागे थे उस टाइम पता चला था कि यहाँ से डिडवाना गए और हरियाणा पुलिस की एक छोटी पुलिस टीम आई थी, उनके पास कुछ सूचना थी कि डिडवाना की लोकेशन, तो वहाँ हमारे आलोक श्रीवास्तव एसपी डिडवाना है, उन्होंने वहाँ रेड किया। वहाँ रेड करने से एक आदमी मिला, उसने बताया कि यहाँ आए थे, उनको हमने टैक्सी से सुजानगढ़ भेज दिया। तो टैक्सी वाले से पूछा तो टैक्सी वाले ने बताया कि सुजानगढ़ से दिल्ली की तरफ कोई बस में बैठ के गए हैं। तो बस वाले ने बताया कि दारूहेड़ा में उनको उतार दिया है। तो हमारी टीम दारूहेड़ा गई। दारूहेड़ा जाने के बाद वहाँ हमने, क्योंकि दिल्ली की तरफ जा रहे थे, तो रविंदर सिंह यादव वहाँ दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के एडीजी है, उनसे मैंने बात की थी। उसके बाद उन्होंने अपनी टीम भी भेज दी। बाद में पता चला कि यहाँ से ये लोग हिसार जा सकते। तो हिसार में जब बस स्टैंड रेलवे स्टेशन चेक किया तो रेलवे स्टेशन में इन दोनों की सीसीटीवी फुटेज आ गई थी। तो वहां जब और पड़ताल किया, कुछ इन्वेस्टिगेशन के पता चला कि हिमाचल मंडी गए हुए। तो हमारी टीम, दोनों की टीम, दिल्ली की टीम प्लस हमारी जो एसआईटी की टीम, वहाँ उस तरफ गए। तो तब वापस सूचना आई कि वो चंडीगढ़ में आ गए। तो वहाँ चंडीगढ़ में लोकेट करके उनको पकड़ लिया। सर, कौन सी कड़ी रही जो सबसे मजबूत रही और इन आरोपियों तक पहुंचने में मददगार रही, क्या वो टेलीफोन टैपिंग रही, लोकेशन के आधार पर आप लोगों ने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, क्या ये एक बड़ी और प्रमुख कड़ी आपके पास थी? नहीं, इसमें सबकी सबका रोल है इसमें। तो सबसे पहले तो जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की जो पुलिस है उनका रोल है, जो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया। बाद में जो डीजी साहब ने एसआईटी बनाई, एसआईटी के जो अधिकारी है और वो प्लस मैं और बिजू साहब जो कमिश्नर साहब लगातार संपर्क में थे। उसके बाद इवन आलोक श्रीवास्तव है, उनकी भी एक काफी इम्पोर्टेंट उनका रोल रहा। डिडवाना एसपी, उनके पास हरियाणा पुलिस जाते हुए उन्होंने रेड किया, वहीं से हमें पता लगा कि कहाँ गए। और जब दारूहेड़ा पहुंचे उसके बाद हिसार पुलिस की भी बहुत बड़ी रोल रही। हिसार पुलिस ने पता करके बताया कि यहाँ रेलवे स्टेशन में उतरे हैं। उसके बाद हमारी जो एसआईटी जिसमें पुलिस कमिश्नरेट की भी ऑफिसर थे और क्राइम ब्रांच प्लस दूसरे जो एसओजी जेडीए के ऑफिसर थे, वो प्लस जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, उन्होंने उसका आगे उस कड़ी को आगे बढ़ाया और सफलता हासिल किया। इसमें पूरा जॉइंट एफर्ट है दिल्ली पुलिस के साथ और हरियाणा पुलिस की भी काफी मदद रही और राजस्थान पुलिस पूरे इसमें लग गई थी और डीजी साहब का पूरा मार्गदर्शन रहा और बीजी साहब और मेरा पूरा मॉनिटरिंग रहा। ठीक है सर, ये भी जानना चाहेंगे, तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं? हाँ, तीसरा जो इनको शरण दे रहा था उसको हिसार में जो शरण दे रहा था उसको, वो भी गिरफ्तार हुआ है।
ठीक है, उसका नाम उधम है, भूमिका क्या थी उसकी? हाँ नहीं, उसका अभी तक तो उसका जो शरण दे रहा था वही, लेकिन को घूम रहा था, शेल्टरिंग कर रहा था, वही भूमिका आई है। अब आगे जांच में पता चलेगा कि इसका मर्डर में भी कॉन्स्पिरेसी है क्या, तो उस हिसाब से उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। जिससे वारदात को अंजाम दिया था, हथियारों के बारे में कुछ पता चल पाया है? नहीं, वो सब अभी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। ठीक है सर, पंजाब की पुलिस की भी कोई इसमें हेल्प रही थी क्या, उनका भी रोल था? नहीं, पंजाब की पुलिस का, पंजाब की एक विक्रम बरार डिवाइस भी है, उनको हमने जब पहले भेजा था ये सारे शूटर्स, तो सबसे पहले वो नितिन फौजी शूटर ये हो सकता है, तो विक्रम बरार ने आइडेंटिफाई करके भेजा था, उसके बाद हमने इसको वेरीफाई किया तो जो सही निकला। सर आखिरी सवाल ये रहेगा, दिल्ली से जयपुर क्या इन आरोपियों को लाया जा रहा है? हाँ ला, इनको लेके आएंगे, उसके बाद पूछताछ करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिनेश एमएन एडीजी क्राइम फोन लाइन पे हमारे साथ थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी कि किस तरीके से हर एक जिले की पुलिस थी जो पूरी टीम को मदद कर रही थी। विष्णु संवाददाता हमारे साथ है। विष्णु, अभी हम दिनेश जी से बात कर रहे थे, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि किस तरीके से हर एक जगह की पुलिस ने उनका सपोर्ट किया और जानकारियां इकट्ठा की इन आरोपियों के बारे में, और उसके बाद जाकर आखिरकार इन्हें चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। देखिए मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ कि 5 दिसंबर को जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दोपहर के वक्त में दिनदहाड़े हत्या कर दी गई, उसके बाद में आरोपी यहां से अपने साथी यानी नितिन फौजी, अपने साथी रामवीर जाट, जिसने उनको यहां ठहरने की व्यवस्था की, उसके साथ मोटरसाइकिल से भागते हुए बगरू टोल प्लाजा पर पहुंचे और उसके बाद में नागौर की बस जो बस थी उससे बैठकर के ये लोग हिसार पहुंचते हैं और वहीं से फरार होते हुए ये लोग सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में यानी कुल्लू मनाली पहुंचे, वहां फरारी काटी। वहां फरारी काटने के बाद में पिछले 5 दिनों में दोनों शूटर चंडीगढ़ आकर ठहरे और इस बीच लगातार सीसीटीवी फुटेज में दोनों आरोपियों की पहचान के बाद में जब ये बात साफ हो गई कि एक आरोपी नितिन जाट है, नितिन फौजी है, जो कि महेंद्रगढ़ का रहने वाला है, तो सबसे पहले पुलिस ने रामवीर जाट को गिरफ्तार किया जो सहयोगी था, और इसके अलावा जो टेक्निकल जो सर्विलांस पर जो पुलिस काम कर रही थी उसके बाद में ये बात क्लियर हो गई कि आरोपी भागते हुए चंडीगढ़ पहुंचे। ऐसे में जयपुर की पुलिस यानी राजस्थान की एसआईटी यानी एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने और पुलिस कमिश्नर बिजू जॉर्ज जोसफ, जो कि इस पूरी टीम का मॉनिटरिंग कर रहे थे राजस्थान की एसआईटी का, इन्होंने दिल्ली पुलिस के अलावा पंजाब और हरियाणा पुलिस के अधिकारियों से बातचीत की, उनके साथ में तालमेल बैठाया और आखिरकार एक टीम को पंजाब चंडीगढ़ भेजा गया, जहां पर कल देर रात को इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर सुनील जांगड़ की टीम ने दिल्ली की स्पेशल सेल के साथ मिलकर के और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। चंडीगढ़ में सेक्टर 22 में एक होटल जहां पर ये लोग ठहरे हुए थे उसके पास ही शराब का ठेका था, वहां से नितिन फौजी और उसके अलावा रोहित राठौड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक बात बहुत साफ है कि जयपुर से भागने के बाद आरोपी 3-4 राज्यों में फरारी काट रहे थे, ऐसे में माना जा सकता है कि उनका जो विदेश भागने का फिलहाल कोई प्लान नहीं था, ये यहीं पर राजस्थान के अलावा हिमाचल और पंजाब हरियाणा में ये लोग फरारी काटने में लगे हुए थे, लेकिन चूंकि 5-5 लाख का इनाम डीजीपी उमेश मिश्रा की ओर से घोषित कर दिया गया था, ऐसे में अन्य राज्यों की पुलिस भी इस तलाश में जुट गई और वहीं पर जो एक बहुत बेहतर तालमेल जो कोऑर्डिनेशन है वो यहां पर देखने को मिलता है, जबकि एडीजी क्राइम दिनेश एमएन और उसके अलावा पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ और कहें कि जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र विश्नोई, तमाम जो बड़े जो अच्छे ऑफिसर्स थे राजस्थान के, उन्होंने अन्य राज्यों की टीम के साथ में, पुलिस टीम के साथ में सहयोग किया और आखिरकार जयपुर पुलिस को सफलता मिली। सबसे बड़ी बात है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम राजस्थान की पुलिस ने यानी कि जयपुर की पुलिस ने दिया था और 72 घंटों के भीतर राजस्थान की पुलिस ने इस अहम वारदात को खोलने में बहुत अहम योगदान, बहुत अहम। ठीक है विष्णु, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता दिल्ली से शंकर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। शंकर, आपसे अपडेट जानना चाहूंगी क्योंकि जयपुर लेकर आ रही है पुलिस दिल्ली से, इनको क्या अपडेट है? देखिए जिस तरह से राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के द्वारा एक ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।